अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है गैस पेपर जो है PS का वो शेयर करने लगा हूँ। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से हैं तो बच्चों आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो। एक चीज़ मैं बता दूं, इससे पहले भी मैं बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, गैस अवेलेबल है, आप चाहो तो बच्चों वो भी देख सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर आप लोग जानते हो कि आपका जो क्वेश्चन होते हैं एक MCQs होते हैं, MCQs याद रखिएगा एक्सरसाइज के अलावा इंशाल्लाह नहीं आते, तो आप लोग एक्सरसाइज के MCQs को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपके MCQs अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करूं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं, क्योंकि उनसे हट के नहीं आएंगे, चॉइस भी होगी तो आप लोग ईजीली अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने एक्सरसाइज वाले तैयार करने हैं, इसके अलावा नहीं करने हैं। अब मैं बात करता हूं लॉन्ग क्वेश्चन की। बच्चे मोस्टली पूछते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से करें। आप लोग जानते हो बच्चों आपके जो पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 3 होते हैं और आप लोगों ने सिर्फ अटैम्प्ट जो है वो 2 करने होते हैं। तो मैं आपके साथ चैप्टर्स शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, ये सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। मीन्स चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आने हैं, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें जो बच्चों मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिसको मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मींस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 7 है। इसमें आपने 2-3 को अगर आप अच्छे बच्चे हो तो करो, अदरवाइज अगर आप थोड़े से वीक स्टूडेंट हो तो इसमें कम अज कम आपने क्वेश्चन नंबर 7 लाजमी करना है, क्योंकि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। सेम बच्चों दूसरे के अंदर ये है, तीसरे ये सारे लिखे हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपने लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे जो आप लोगों के जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन 1 आएगा इस पहले और दूसरे में से। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों से पूछा है जो PS के टीचर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जी बच्चों से कहें कि सिर्फ ये क्वेश्चन तैयार कर लें, ये जो चैप्टर 1 है और 2 है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपका इसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा, एक आपका चौथे और पांचवे में से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चों वो मोस्टली 6, 8 और 9 में से आया होता है और सम टाइम 11 में से भी वो बना लेता है, अदरवाइज 11 में से नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा बच्चों कि आप लोगों ने जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये वाले 2 पेयर कर लो, एक ये वाला पेयर बच्चों, एक ये वाला, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसमें टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपने ये कर लेने हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।